नमस्कार, मैं संतोष भगत, स्वतंत्र सागर न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के जवानों ने की पाकिस्तानियों की 13वीं। आपने वो लाइनें सुनी होगी कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। जी हाँ, आज इन लाइनों का जीता जागता सबूत हिंदुस्तान की सरकार और हमारे देश के वीर सपूतों ने दिखाया है, जो कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय वायुसेना ने आज पाकिस्तान की सीमा में मिराज लड़ाकू विमानों से 1000 पाउंड वजन के लेजर गाइडेड बम दागे। हथियार प्रणाली की मदद से आतंकियों को चुन चुन कर मारा। वायुसेना की इस कार्रवाई में जैश सरगना मसूद अजहर के भाई और साले सहित 25 कमांडर ढेर हो गए। हमले के वक्त शिविर में 350 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद थे। देखिए खबर विस्तार से संतोष भगत और पूजा के साथ संवाददाता विनय महाजन की स्पेशल रिपोर्ट। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जो इतिहास के पन्नों पर एक गहरी छाप छोड़ गया, जब देश के और देश के बाहरी दुश्मनों ने एक सोची समझी साजिश के साथ हमारे देश के जवानों के काफिले पर आतंकवादी हमला कर देश के सपूतों को नींद की गोद में सुला दिया। वो सपूतों ने तो देश के प्रति अपनी शहादत दे दी, पर अपने पीछे छोड़ गए अपने परिवारों को, बिलखती माओं को और मिटते हुए सिंदूरों को। देश में जहां एक तरफ हाहाकार मच गया, वहीं देश की जनता आक्रोश मानो सर चढ़कर बोलने लगा। देश के हर कोने से, हर तबके से बस एक आवाज उठने लगी, बदला बस बदला। बता दे कि सपूतों की शहादत और देश की एकता का आज वो नजारा देखने को मिला जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जब सुबह के ठीक 4:15 बजे हिंदुस्तानी फौज कहर बनकर दुश्मनों के ठिकानों पर टूट पड़ी और 250 से 300 आतंकवादियों को मार गिराया, और वो भी दुश्मन के घर में घुसकर। ये खबर मिलते ही हिंदुस्तान में लोगों ने दिवाली और ईद जैसा जश्न मनाया। वहीं देश के विदेश सचिव वीके गोखले ने इस बात की पुष्टि की। बॉलीवुड से इंपा प्रेसिडेंट टीपी अग्रवाल ने अपनी खुशी जाहिर की, और दूसरी तरफ असउद्दीन ओवैसी ने और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अपनी खुशी जाहिर की। Jihadis who were being trained for Fida in action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. एक चीज बड़े गर्व से आज बोल रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान में फौजों ने आज कर दिखाया, वो मेरे ख्याल किसी भी दूसरे देश की ताकत नहीं थी। बदला हमारी फोर्सेस ने इतना अच्छा लिया, उनके 40 उन्होंने हमारे 40 मारे थे और हम लोगों ने उनके कम से कम 350 तो मार दिए, और हिंदुस्तान आज पूरा जश्न मना रहा है इसके लिए।
क्योंकि सारा हिंदुस्तान पहले रो रहा था कि हमारे इतने लोग मारे गए थे, इतने हमारे लोग शहीद हुए थे और पाकिस्तान ने हमको बेवकूफ़ समझा हुआ था। ये दिखा दिया पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान कम नहीं है और आज कोई भी दूसरा मुल्क हिंदुस्तान को कमज़ोर ना समझे कि वो हिंदुस्तान का कुछ भी बिगाड़ सकता है। हिंदुस्तान का तो बहुत ताकत है, हिंदुस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो हमारी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह चौकस और तैयार रहेगी, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स। और तीसरी बात यह है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार दिया गया है किसी मुल्क को। मैं अपनी पार्टी की जानिब से आज जो फैसला लिया गया है उसका खैर मुकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम हाफिज सईद को और मसूद अजहर को, ये दोनों जो शयातीन हैं, इनका भी हम ताकुब करेंगे। हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया है और मैंने जैसा कहा कि मैं हुकूमत के और एयरफोर्स और हमारे आर्मी के फैसले के साथ खड़ा हूं। और पाकिस्तान खुद इन दहशतगर्द तंजीमों को, जो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो हमने एक्शन लिया है, इसमें कोई गलत नहीं है।